करते हैं आज का डिस्कशन। देखो फर्स्ट आर्टिकल इसमें आपको आरबीआई और सेंटर की जो टसल देखने को मिल रही है, जो उनके बीच में एक तरह से बोल सकते हैं कि मनमुटाव है, जो उनका बीच डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बारे में बात की गई है। गिव एंड टेक ऑन द आरबीआई बोर्ड मीटिंग। अभी एक या दो दिन पहले अभी जो आरबीआई की मीटिंग हुई सेंटर के साथ में, और इट वॉज 9 आवर्स लॉन्ग, ये 9 घंटे लंबी चली थी। 9 घंटे का मतलब आप सुबह से ऐसे सोच लो कि सुबह से लेकर शाम तक। अब ये हो क्या रहा, क्यों हो रहा है? देखो सेंटर चाहता है कि आरबीआई उसके अंडर रह के काम करे, और उसके अंडर रह के काम करने का मतलब भी क्या है? दो या तीन इश्यूज हैं, उन इश्यूज को अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द सेंटर एंड द आरबीआई डिड वेल एट द बोर्ड मीटिंग टू एड्रेस ईच अदर्स कंसर्न। आरबीआई और सेंटर ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एक दूसरे को समझा, और देखो एक दूसरे को समझेंगे तो ही 9 घंटा लंबी आपकी जो मीटिंग है वो चलने वाली है। यदि कुछ समझेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो 9 घंटे लंबी मीटिंग चलने का मतलब है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने कि एक दूसरे के कंसर्न थे, एक दूसरे की जो समस्याएं थी उनको एड्रेस किया। मीटिंग की बात करें तो म्यूटेड, यानी चुपचाप, यानी ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे हंगामा हो गया, बिल्कुल चुपचाप एंड प्रोफेशनल मीटिंग हुई, ठीक है, एज इट शुड हैव बीन, यानी जैसे ये होनी चाहिए थी वैसी ही हुई, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। एनी सेंटर्स डिसीजन वुड हैव क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स एज मार्केट्स आर नॉट सो गुड। देखो बात है कि सेंटर और यहाँ पे आरबीआई ने बहुत अच्छे से उसको प्रोफेशनल मीटिंग में तब्दील कर दिया, लेकिन यदि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर अपनी बात रखता तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती? प्रॉब्लम यहाँ पे होती, देखो सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको बात करें जो अपनी इकोनॉमी है, अभी मार्केट्स हैं वो इतना अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सेंटर का एक तरह से कमजोर पहलू है, और इसके बावजूद भी ये सेंटर अपनी बात रखता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बोल सकते हैं कि ये उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। भाई एक तरह से आप पीछे से आपका जो बैकअप अच्छा नहीं है, मार्केट आपके अच्छे नहीं है, आप इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, और साथ में आप आरबीआई पे इल्जाम लगा रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, लंबा सेंटेंस है, इसको अपन ढंग से रीड करते हैं। टू ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स ऑफ द सेंटर, सेंटर के दो सबसे बड़े कंसर्न कौन से हैं, समस्याएं कौन सी हैं? वेर इट वॉज एक्सपेक्टिंग एन इमीडिएट रेजोल्यूशन, जहां पे ये चाहती है सेंटर की बिल्कुल मेरे को जल्दी से जल्दी आपका एक तरह से सहारा मिले, रेजोल्यूशन मिले। कौन सा है? एक तो रिलैक्सेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑन 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, पीसीए इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल टर्म इसको देखते हैं। देखो कोई भी यदि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, एनपीए जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए जो एक्शन ली जाती है उसको बोलते हैं पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। किसके अगेंस्ट में है? 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और साथ में दूसरा इसका प्रोविजन कौन सा था? प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल, है ना, रुपए पैसे की बात होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है रुपए पैसे। यहाँ पे वो लिक्विड नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में कौन फ्लो करता है, मार्केट में फ्लो करता है पैसा। तो लिक्विडिटी फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, क्या बोलते हैं इसको? आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, ठीक है। तो सेंटर की बात क्या थी? सेंटर चाहता है कि जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन पे पीसीए यानी पब्लिक नहीं सॉरी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, और साथ में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको एक तरह से लिक्विडिटी दी जाए, उनको पैसा दिया जाए। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ, दो उनके बिगेस्ट कंसर्न थे किसमें, मीटिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सेंटर्स अटेम्प्ट टू टैप द आरबीआईज रिच रिजर्व्स हैज आल्सो बीन स्टेव्ड ऑफ। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, सेंटर क्या चाहता है? सेंटर चाहता है कि आरबीआई का जो रिच रिजर्व है, एक तरह से जमा कोष है, एक तरह से खजाना है, जो पैसा है, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक कहाँ कौन सी है इंडिया के अंदर, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो सभी बैंक को रेगुलेट करती है, सभी बैंकों को लोन भी देती है और सारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई का जो रिच रिजर्व है, आरबीआई के साथ जो पैसा है उसके पास, उसको कहने की सेंटर की गवर्नमेंट है वो एक तरह से टेप, एक तरह से बांधना चाहती है, फिर से कंट्रोल करना चाहती है, और इस मुद्दे को भी कहने की इस मीटिंग में हैज ऑल्सो बीन स्टेव्ड ऑफ। कहने का मतलब स्टेव ऑफ होती है आपकी फ्रेजल वर्ब, आई हैव इंक्लूडेड इट आफ्टर इन आवर वोकैबुलरी बूस्टर ऑल्सो, बट डिस्कस इट हियर। स्टेव ऑफ का मतलब होता है कि कम करना किसी चीज को, उसको साइड में कर देना, ठीक है। तो सेंटर की जो एक तरह से उसका एजेंडा था कि आरबीआई की रिच रिजर्व को कंट्रोल करने का, उसको भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग में साइड में कर दिया गया। नाउ एक नई कमेटी बनेगी, ठीक है, दोनों के दोनों डिसाइड करेंगे, कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी बीजेपी है हम बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब नई कमेटी बनने वाली है, तो दोनों होंगे तो पार्शियलिटी नहीं होगी, ठीक है। पहली बात तो दोनों को इंक्लूड करने का मतलब यही है। तो पहले की एक कमेटी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोल सकते हैं वाई एच मालेगांव कमेटी,
देखो किसके एक तरह से निर्देशन में बनी थी, YH मालेगाम आपको पूछना है, आपको बताना कि YH मालेगाम कमेटी क्यों बनी थी, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेटी लेड बाय YH मालेगाम, RBI ट्रांसफरिंग इट्स ऑल फंड्स सिंस लास्ट 5 ईयर्स। RBI जो सेंटर को लास्ट 5 साल से जो फंड ट्रांसफर कर रही है, वो किस समिति के बिहाफ पे कर रही है, किस समिति के कहने पे कर रही है? देखो, समिति एक गठित होती है 2 या 3 या 5 या 10 लोगों कितने की भी, वो डिसाइड करते हैं कि RBI या सेंटर को क्या, RBI को क्या करना होता है। तो RBI पिछले 5 साल से सेंटर को जो फंड ट्रांसफर कर रही है, ड्यू टू द कमिटी लेड बाय YH मालेगाम, मिस्टर YH मालेगाम, ठीक है? अब बात करते हैं, देखो टू इश्यूज, दो इश्यू की बात करते हैं। द बेसल कैपिटल फ्रेमवर्क, देखो बेसल क्या है, बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां पे क्या एक तरह से बेसल का हेडक्वार्टर है, ठीक है? द बेसल कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स एंड इजिंग क्रेडिट फ्लो टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दो इश्यू कौन से हैं, एक तो बेसल का जो कैपिटल फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और साथ साथ में जो क्रेडिट का फ्लो है, क्रेडिट मतलब पैसे का जो फ्लो है किसके लिए, MSME। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म, बहुत ही कॉमन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कहने का दो इश्यू दिख गए आपको, एक तो कैपिटल फ्रेमवर्क है जो बेसल प्रोवाइड करता है, और साथ में क्रेडिट का फ्लो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? RBI ने क्या किया है, MSME बोरोवर्स को लगभग रुपए 25 करोड़ एक तरह से जो अपना ऋण होता है उसको देने की बात यहां पे कही है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, देर वॉज इनफ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक को यहाँ पे बोल्ड करने का मतलब आपको पता है, गिव एंड टेक का मतलब होता है एक तरह से म्यूचुअल कंसेंट होती है ना, भाई आप भी खुश मैं भी खुश, यानी कि एक हाथ दे एक हाथ ले, वो बात हो गई यहाँ पे। देर वॉज इनफ गिव एंड टेक इन द मीटिंग दैट लेफ्ट बोथ साइड्स विद द फीलिंग दैट दे हैड गेन्ड समथिंग। वहां पे जो मीटिंग हुई उसके अंदर बहुत सारा एक तरह से आपसी तालमेल, आपसी समझौता और एक तरह से म्यूचुअल कंसेंट देखने को मिला। तो दोनों पार्टीज थी, दोनों साइड्स थी, दोनों पार्टीज नहीं बोलेंगे, दोनों साइड्स थी, एक तरह से RBI एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ गेन किया है, कुछ ना कुछ अचीव किया है। ओके, 9 आवर्स लॉन्ग मीटिंग शोज मोर डिफरेंसेज। अब आपको पता 9 घंटे लंबी मीटिंग है तो ज्यादा डिफरेंसेज ज्यादा ही होंगे, डिफरेंसेज मतलब यहाँ पे मनमुटाव से है। Differences between the center and the central bank must be thrashed out. ठीक है, क्या होगा, Differences between the center and the central bank must be thrashed out. Thrashed out मतलब क्या होता है, एक तरह से उसको साइड में कर देना। In such a setting, rather than in the media or in public speeches, आपको क्या करना है, Differences जितने भी हैं, ठीक है, उनको एक तरह से बैठ के सुलझाना है। जैसे अभी मीटिंग हुई ऐसे बिल्कुल सही था, लेकिन किस तरीके से नहीं सुलझाना उसकी बात भी करी गई है, मीडिया में जाकर और पब्लिक स्पीच देकर आपको नहीं सुलझाना है, दोनों पक्षों को, दोनों को साइड को साथ में बैठना है एक ही टेबल पर, फिर डिस्कस करना कि व्हाट हैव टू बी डन। ओके, ये अपना कंप्लीट आर्टिकल था इंडिया के बारे में, ठीक है? इंडिया के जो एक तरह से काफी दिनों से टसल चल रहा है RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द US चाइना क्लैश एंड इट इज, अभी थोड़े दिनों पहले अभी एक मीटिंग हुई है, एक समिट हुआ है, किसका, APEC, वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन वी कैन से, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एशिया के पैसिफिक में बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। APEC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ए का मतलब एशिया, पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन या फिर कॉरपोरेशन जो आप बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ठीक है? तो APEC की आपकी समिट हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी आप बोल सकते हैं, तो मैंने इसको आगे इंक्लूड किया है, ये हुई थी हेल्ड इन पपुआ न्यू गिनी, यानी एक तरह से वेस्ट इंडीज जो है उसका एक बोल सकते हो आप आइलैंड बोल सकते हो, एक कंट्री बोल सकते हो पपुआ न्यू गिनी, उसके अंदर आपकी समिट हुई थी। तो इसके हाइलाइट्स की बात करते हैं, इसके हाइलाइट्स का मतलब यहाँ पे दो मेजर ओपोनेंट कह सकते हैं, एक था US, एक था चाइना, ठीक है? द US चाइना डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब भेदभाव है ना, मतलब कि डिस्कॉर्ड का मतलब जैसे बोल सकते हैं कि उनके बीच में नहीं बन रही है, ठीक है? द US चाइना डिस्कॉर्ड एट APEC, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन हाइलाइट्स, क्या हाइलाइट्स करता है डिस्कॉर्ड, ये द डेंजर्स ऑफ देयर टेरिफ वॉर। आपको बताया है पिछले समर से, इस समर से आपका जो जून जुलाई से ही इनके बीच में जो टेरिफ वॉर, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो जो एक्साइज ड्यूटीज होती हैं उनको परसेंटेज में बढ़ाने घटाने का जो एक तरह से टेरिफ का वॉर चल रहा है, उस चीज को हाईलाइट करता है डिस्कॉर्ड। अब हुआ क्या, पहली बात आपको APEC की फॉर्म पता होनी चाहिए, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, रैप अप इट्स समिट विद नो रिजल्ट। रैप अप का मतलब होता है कि समाप्त हो जाना, ठीक है, रैप का मतलब होता है ना समाप्त हो जाना।
इट्स समिट। समिट क्या होती है, जो आपका शिखर सम्मेलन होता है उसको बोलते हैं समिट, विद नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकला और ऐसे आपकी जो आपकी समिट हुई थी वो समाप्त हो गई। नाउ क्लेश्ड ओवर द प्रपोज्ड वर्डिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब उसमें हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसमें जो प्रपोजल वर्डिंग थी, वर्ड्स थे वहां पे क्या लिखे हुए थे डॉक्यूमेंट के अंदर, उस पर क्लेश हो गया। किसके बीच में होगा, आपको पता ऊपर मेंशन है आपको टाइटल के अंदर, यूएस वर्सेस चाइना। नाउ हेल्ड इन पापुआ न्यू गिनी द क्लेश फ्रैक्चर द 21 नेशन समिट इनटू टू सेगमेंट्स। पापुआ न्यू गिनी में आपकी मीटिंग हुई थी, 21 देशों की मीटिंग थी, समिट थी, और उसमें आपको जो फ्रैक्चर देखने को मिला, जो क्लेश देखने को मिला, उसने 21 कंट्रीज को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। और मैं आपको बता चुका हूं कि ऊपर जो दो आपके हेड हैं, एक आपका यूएस होगा, एक फिर चाइना होगा, तो 21 कंट्री दो सेगमेंट में डिवाइड होगी, कुछ लोग यूएस के साइड हो गए और कुछ लोग चाइना की साइड हो गए। नाउ वाशिंगटन, वाशिंगटन द कैपिटल ऑफ यूएस, वाशिंगटन लेड द चार्ज, लेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ओके, लेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, किसकी सेकेंड फॉर्म है, लीड की, L E A D, तो लीड की सेकेंड फॉर्म होती है। लीड मतलब एक तरह से आपको कोई आपका रास्ता सुझाना, एक तरह से पथगामी होना, आपके कोई आपको रास्ता दिखाता है उसको बोलते हैं लीड करना, है ना। लीड करना मतलब आपको पथ प्रदर्शित करना, इसकी सेकेंड फॉर्म है, मतलब आपको पास्ट इंडेफिनेट। वाशिंगटन लेड द चार्ज, वाशिंगटन लेड द चार्ज मतलब क्या है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे यूएस के, जो आपके बात करेंगे माइक पेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो माइक पेंस ने एक तरह से चार्ज लगाया किस चीज का, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वो अनफेयर है, वो सही मीनिंग में नहीं हो रहा, अनफेयर मतलब अनुचित तरीके से उसको व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। वाशिंगटन ने यह चार्ज लगाया और एक्यूजेशन लगाया, आरोप प्रत्यारोप हुए कि चाइना वाजंट लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड इन ग्लोबल ट्रेड। चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है, लेवल नहीं कर रहा है किस चीज को, ग्लोबल ट्रेड को, क्योंकि देखो लेवल करने की बात कहां पे आती है, अभी बात करूंगा फिस्कल डेफिसिट की, मतलब आपका एक तरह से डेफिसिट होता है, एक तरह से दोनों चीजों के बीच में अंतर होता है, उसको बोलते हैं डेफिसिट या कमी, है ना। किस चीज में कमी की बात हो रही है, देखो तो एक तरह से बोल सकते हैं कि आगे जैसे ट्रेड का गैप होता है, भाई चाइना यूएस से कितना कमा रहा है और यूएस चाइना से कितना कमा रहा है, ठीक है। मान लो कि यूएस चाइना से 100 रुपये कमा रहा है और चाइना यूएस से 150 रुपये कमा रहा है, तो 50 रुपये का कहीं ना कहीं गैप आता है, और 50 रुपये कौन ऊपर हो गया, चाइना ऊपर हो गया, ये बात यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखो मैं तो यहाँ पे रुपीज में बात कर रहा हूँ, अभी जब इनका गैप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इनका गैप कितना है। देखो यूएस क्या कर रहा है, यूएस अर्ज कर रहा है, अर्ज का मतलब होता है URGE, हिंदी वाला अर्ज नहीं है ये, इंग्लिश वाला अर्ज है। अर्ज का मतलब होता है किसी को दबाना, है ना, किसी को बिल्कुल अपनी बातों से दबाना कि भैया कंट्रोल करना है, कि तुमको तो यही करना है। यूएस अर्ज चाइना, यूएस चाइना को दबाने की कोशिश कर रहा है टू इंक्रीज मार्केट एक्सेस, क्योंकि जो यूएस का जो एक तरह से बोल सकते हैं यूएस की जो कमाई है वो कम है चाइना की ज्यादा, तभी तो यूएस को प्रॉब्लम हो रही है। तो यूएस चाहता है कि भैया हमको तुम मार्केट एक्सेस ज्यादा दो, हम तुम में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, अपना जो एक तरह से गैप है पैसों का, रुपयों का गैप है, मनी का, वो कम होगा। एंड ब्रिंग डाउन द $375 बिलियन ट्रेड गैप। देखो आप इस ट्रेड गैप को, देखो आप इसको निहारो, इस फिगर को, 375 कितना होता है, चलो 375 कोई बड़ी बात नहीं है, 375 होता है, लेकिन इसके आगे बिलियन लगा हुआ, बिलियन, 375 बिलियन, एंड फिर रुपीज भी नहीं लगा, फिर लिखा डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना और यूएस के बीच में कितना व्यापार का जो गैप है वो कितना है, $375 बिलियन। अब इस गैप को यूएस कम करना चाहता है और चाइना चाहता है कि ये गैप बना रहे, तो यूएस क्या करेगा, यूएस दबाव डालेगा चाइना पे कि तुम हमको मार्केट एक्सेस ज्यादा दो और साथ में इस गैप को कम भी करो। आगे बढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस दैट इज माइक पेंस इंसिस्टेड कंट्रीज टू एस्क्यू लॉन्स विद बीजिंग एज ए डेट ट्रैप। तो बहुत अच्छी लाइन है, माइक पेंस ने क्या किया, इंसिस्ट किया, लोगों को रोका, कंट्रीज को रोका कि भैया तुम चाइना से लोन मत लो, क्योंकि यदि तुम चाइना से लोन लेते हो तो कहीं ना कहीं आप एक जाल में फंस जाओगे और उस जाल को बोलेंगे डेट ट्रैप। डेट बोलेंगे क्या, ऋण, आप ऋण के तले दब जाओगे। देखो डेट में आपको बी प्रोनाउंस नहीं करना है, डेट मतलब डेट, डेप्ट नहीं बोलेंगे इसको, डेप्ट नहीं बोलते, कई लोग डेप्ट बोलते हैं, दैट इज 100% रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। डेट, डेट ट्रैप में फंस जाओगे आप यदि आप चाइना से लोन लेते हो। चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग की बात करें, उन्होंने कुछ एक वर्ड भी नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कि उनका जो इनिशिएटिव है कौन सा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI,
उसको आपको पता है कि इंडिया का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से भी ओके जाएगा, तो इंडिया को तो प्रॉब्लम है ही उससे, इंडिया ने कभी सपोर्ट नहीं किया बीआरआई को। लेकिन यहाँ पे कुछ एशियन नेशन और भी हैं जिन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया और साथ में यूएस ने भी सपोर्ट नहीं किया। अब आपको श्योर पता है कि जिस इनिशिएटिव को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उन्हीं के साथ उनकी समिट है, तो बेचारा प्रेसिडेंट सी जिनपिंग बोलेगा क्या? डिड नॉट मीन्स ए वर्ड, कहने का मतलब उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, चुपचाप बैठा। कौन? प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। बात करते हैं, देखो लंबा सेंटेंस है, ये बात करते हैं प्रोसेस की कि ये समिट में ये फेलियर हुआ क्यों। समर से स्टार्ट करते हैं। द ट्रबल्स बिगेन ओवर दिस समर व्हेन बोथ कंट्रीज स्टार्टेड टैक्सिंग $50 बिलियन वर्थ ऑफ द अदर्स इंपोर्ट्स, फॉलोड बाय द यूएस स्लेपिंग $200 बिलियन ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट्स विद अ 10% टैरिफ टू बी रेजेड अप टू 25% बाय द ईयर एंड। पहले चाइना ने यूएस पे एक सेंक्शन लगाया, फिर यूएस ने चाइना पे सेंक्शन वापस से लगा दिया $200 बिलियन का, और यही भी कहा कि हम 10% टैरिफ भी लेंगे और इसको 25% भी कर देंगे साल के एंड तक। देखो यहाँ पे एक फ्रेज है अपने पास, दैट इज रेचेट अप, ये थर्ड फॉर्म बनी हुई है। लेकिन रेचेट अप क्या होती है? एक तरह से कोई चीज़ होती है वो एक ही दिशा में बढ़ती है, ठीक है। मान लो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ऊपर ऊपर जाता रहेगा तो रेचेट अप बोलेंगे उसको। तो 10% था, फिर 25% होगा, तो कहने का आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ कंप्लीट समरी थी इसकी, हो क्या रहा था इनके बीच में। चाइना ने अनसरप्राइजिंगली बिना किसी हिचकिचाहट के रिटेलिएटेड, प्रतिशोध लिया, बदला लिया विद ए प्रॉमिस टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैक्सेस टू द ट्यून ऑफ $60 बिलियन। चाइना कहाँ पीछे रहने वाला है? चाइना तो एशिया को, एशिया के इधर से बोल सकते हैं कि एशिया डोमिनेंट कंट्री होगी, तो उसने भी वापस से एक तरह से रिटेलिएट, प्रतिशोध लिया, बदला लिया और $60 बिलियन का उसने भी एक तरह से बोल देंगे टैक्स ठोक दिया। नाउ देखो, अब दो मेजर कंट्रीज हैं, एक तरह से बोल सकते हैं दो मेजर इकोनॉमी है वर्ल्ड की, कौन कौन? यूएस एंड चाइना। अब वो ऐसा करेंगे तो होपफुली नहीं, ऐसा बोलेंगे कि प्रॉबेबली ऐसा कुछ होगा कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो इस ग्रोथ को एक तरह से कंसर्निंग बताने के लिए IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बताया कि डाउनफॉल हो रहा है तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर, तुम कितना भी लड़ लो तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल हो रहा है, अभी तुम नहीं सुधरोगे तो और भी डाउनफॉल हो जाएगा, तब सुधरने का मौका नहीं मिलेगा, अभी सुधर जाओ। और अब देखो, दो बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसे लगती हैं, लड़ती हैं आपस में, फाइट करती हैं ट्रेड के ऊपर, लड़ती हैं। देखो तो ट्रेड के ऊपर दो कंट्रीज लड़ने का मतलब है ही नहीं, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज जब ट्रेड में उनके बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया गया है? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लूज देयर अथॉरिटी, क्योंकि आपको पता है उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोई पूछेगा नहीं, अपने आप में लड़ रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी को कौन जानेगा फिर। एंड एन इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ बायलेटरल ट्रेड ट्रीटीज, कहने का मतलब है कि दो देश आपस में यदि सुलझा लेंगे कोई भी यदि इश्यूज, तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है अबाउट टू ट्रेड, व्यापार के बारे में, तो बीच में कौन फिर इंटरमीडिएट करता है? आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी उसकी जो अथॉरिटी है उसको अपन को लूज नहीं करना है। आफ्टर द APEC समिट द वर्ल्ड इज स्टिल पोइज्ड ऑन द एज ऑफ द ट्रेड वॉर वर्टेक्स, कहने का मतलब है कि APEC समिट के बाद में भी कहीं ना कहीं जो अपना वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं दूषित हो गया है, पॉइजन से भरा हुआ है जब बात करते हैं ट्रेड वॉर की। द फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, देखो ये वाली मीटिंग कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी पपुआ न्यू गिनी। अब फोर्थ कमिंग जो G20 मीटिंग है वो कहाँ होगी? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में भी कहाँ होती है? उसकी राजधानी होगी ऑब्वियस ब्यूनस आयर्स। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? ब्यूनस आयर्स। ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू पुल बैक फ्रॉम द ब्रिंक, कहने का मतलब नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो APEC जो आपका एक फेलियर हुआ है, मीटिंग फेलियर, उसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है, उसको आपको कहीं ना कहीं सही बनाना है, ठीक है। ये अपना कंप्लीट आर्टिकल थे, आज की बात करते हैं वोकैब बूस्टर की। पहला वर्ड इसके अंदर पेनस्टेकिंग, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है पेनस्टेकिंग। देखो इसका मतलब होता है कोई आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केयर करता है और ग्रेट एफर्ट करता है, दैट पर्सन इज पेनस्टेकिंग, आपका एडजेक्टिव हो गया। रेचेट अप, आई हैव डिस्कस्ड इट, मूव बाय डिग्रीज इन वन डायरेक्शन ओनली, कोई बढ़ रहा है तो बढ़ता बढ़ता जाएगा, कोई घट रहा है तो घटता घटता जाएगा, तो रेचेट अप बोलेंगे उसको। पोर्टेंट, पोर्टेंट क्या होता है? बी ए साइन ऑफ समथिंग टू कम, यानी ऐसा कोई एक तरह से आभास होना कि कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला, कुछ बुरा होने वाला, वो बात मैटर नहीं करती, ऐसा कुछ आभास होना, ऐसे कुछ अपने को साइन मिलना, अपने को प्रदर्शित होना कि भैया तुम्हारे साथ क्या होने वाला, तो इसको बोल सकते हैं अपन ऑस्पिकेट, यानी शुभ अवसर पे बात होती है। ओमेन होता है, ओमेन का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं
कि शुभ लक्षण है ना, कि आप जैसे आप जाते हैं तो आपका बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप बोलते हैं कि शुभ लक्षण नहीं हुआ ना, तो वही बात हो रही है। ओमेन ऑस्पिकेट पॉर्डेंट अर्ज, बता दिया मैंने आपको, किसी को फोर्स करना, इम्पेल करना, किसी पर दबाव डालना, थोपना किसी चीज को, ठीक है, वो हो जाएगा आपका अर्ज। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, कोई चीज साफ साफ नहीं होती है, चाहे तो वो कोई भी जैसे बोल सकते हैं कोई आपका कपड़ा हो साफ नहीं है, इम्प्लिसिट है, या फिर कोई आपकी बात जो आपको इनडायरेक्टली आप समझाते हैं तो आप एक्सप्लिसिट नहीं बोलते, इम्प्लिसिट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट होता है साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ समझा दो भैया अच्छे वर्ड्स में, और इम्प्लिसिट मतलब कोई बहुत ही बॉम्बार्डिंग वर्ड्स वहां पे लेके आते हो तो दैट इज इम्प्लिसिट। इम्प्लाइड थ्रू दो नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड, ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है धुंधला, तो ये वर्ड यहाँ पे अच्छा है। ये वर्ड देखो क्या है, कम्युनिके, वन वर्ड में आता है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कम्युनिके वर्ड को, देखो इसकी स्पेलिंग आप देख लें, कम्युनिके, एन ऑफिशियल रिपोर्ट यूजली सेंट इन हैस्ट, हैस्ट मतलब जल्दबाजी में, तो एक ऑफिशियल रिपोर्ट को बोलते हैं कम्युनिके। तो ये कौन से में आया होगा, ये उस एशियन समिट जो हुई थी अभी ACEP, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे अपने को बोला गया है, कम्युनिके नहीं ऑफिशियल रिपोर्ट। प्लेनरी, प्लेनरी क्या होता है, फुल इन ऑल रेस्पेक्ट्स ऑल पावर्स, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, आपके पास सब कुछ होता है उसको बोलते हैं प्लेनरी। थ्रेस आउट का मतलब डिस्कस वेहमेंटली इन ऑर्डर टू रीच ए सोल्यूशन और एन एग्रीमेंट, कोई आपको सोल्यूशन निकालना है, कोई अग्रीमेंट निकालना है, उसको आपको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं वेहमेंटली। अभी जो मीटिंग हुई थी आरबीआई की और सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बहुत ही प्रोफेशनली और म्यूटेड हुई थी, उसके जस्ट अगेंस्ट, यदि आपको पता है अभी श्रीलंका में क्या चल रहा है, श्रीलंका में पार्लियामेंट में दंगे फसाद हो रहे हैं, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उसको बोलेंगे वेहमेंट तरीका। और अभी ने जो आरबीआई और सेंटर की जो मीटिंग हुई बहुत ही म्यूट एंड प्रोफेशनल, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, तो सोफिस्टिकेटेड का उल्टा है वेहमेंट, ठीक है। नाउ गिव एंड टेक मतलब म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हैं, उसको बोलेंगे एक हाथ दे और एक हाथ ले। लास्ट अपना स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ है किसी चीज को होने से रोकना, प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ, प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने से रोकने को क्या बोलेंगे, स्टेव ऑफ। बहुत अच्छी आपकी फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखनी है। तो ये था अपना आज का कंप्लीट वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि ये जो वीडियो है किसी और को भी हेल्प कर सकता है जो आपके साथ आपके दोस्त हैं वो आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर द वीडियो, ठीक है। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी।